व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्री। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट या डिफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे। दूसरा, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है बेसिक्स, वो हम इसको डिफाइन करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज जो है वो हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, और इसके साथ साथ पाइथागोरस थ्योरम को हम भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपने इधर उधर जाना नहीं है और वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम किसे कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है, ये दो लफ्जों, ग्रीक वर्ड है, दो लफ्जों से बना हुआ है। एक है ट्रेग्नो और एक है मेट्री। ट्रेग्नो का मतलब है ट्राइंगल और मेट्री का मतलब है क्या, मेजरमेंट, मतलब मेजर करना, फेमाइश करना। मतलब इसका यह है कि ट्राइंगल की मेजरमेंट, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द लेंथ, साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ये आपने याद रखना है कि ट्राइंगल में क्या होते हैं, तीन साइड्स होते हैं, ठीक है, और तीन एंगल होते हैं। और ये ट्राइंगल जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या यूज करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल को। और राइट एंगल ट्राइंगल में इस तरह होता है कि एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं हम, वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। सो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक डिफिनेशन क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसको, ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ को, ठीक है, और इसकी एंगल्स को। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या है, बेसिकली तीन फंक्शन है। एक को हम कहते हैं साइन फंक्शन, ठीक है, एक है कोसाइन फंक्शन, और एक क्या है, एक है टेंजेंट फंक्शन, और फिर इसके फार्मूले हैं। देन इसके जो उल्टा है, साइन फंक्शन के अपोजिट है कोसेकेंट फंक्शन, ठीक है, और कोसाइन फंक्शन का जो अपोजिट है वो है सेकेंड फंक्शन, ठीक है, और टेंजेंट फंक्शन का जो अपोजिट है वो है कोटेंजेंट फंक्शन। तो ये कितने हुए, 6 फंक्शंस हुए, ठीक है। अब अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करें तो ये तो है 90 डिग्री का एंगल। लेट्स सपोज ये हम कंसीडर करें इस एंगल को थीटा, ठीक है। सो थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड है इसको हम क्या कहते हैं, इसके साथ जो लगा हुआ साइड है इसको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। इसको जो इधर नजर आपको ये साइड आ रहा है इसको हम कहते हैं थीटा का अपोजिट साइड, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, तीन साइड्स, एक थीटा का एडजेसेंट, एक अपोजिट, और एक क्या हुआ, एक हुआ हाइपोटेन्यूज। अब साइन फंक्शन का जो फार्मूला है इसको हम किस तरह लिखते हैं, साइन थीटा, ठीक है, और ये इक्वल होता है किसका, ट्राइंगल के अपोजिट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। सो साइन फंक्शन का फार्मूला क्या है, साइन थीटा विच इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ लेंथ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, सही हो गया। इसी तरह कोसाइन फंक्शन का जो फार्मूला है वो क्या है, कॉस ऑफ थीटा, और वो इक्वल है किसका, वो इक्वल है ट्राइंगल के एडजेसेंट साइड के, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, समझ गए। और टेंजेंट फंक्शन का जो फार्मूला है वो है टेन थीटा, और वो इक्वल है किसका, वो इक्वल है अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, समझ गए। इसी तरह ये तो हो गए तीन बेसिक फंक्शन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री। अब अगर हम इसको उल्टा करें, अगर हम क्या लिखें, अगर हम लिखें हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय अपोजिट साइड ऑफ ए ट्राइंगल,
तो इसको हम कहते हैं साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल, और वो क्या है, कोसेकेंड फंक्शन, और इसको हम लिखते हैं सी एस सी ऑफ थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर हम क्या करें, अगर हम इसको उल्टा करें, मतलब क्या कि अगर हम हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, तो ये रेसिप्रोकल है कोसाइन फंक्शन का, और ये इसको हम कहते हैं सेकेंड फंक्शन, और इसका फार्मूला है एस सी थीटा। ठीक है, इस तरह अगर हम इसको उल्टा करें तो ये बराबर है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय अपोजिट साइड, और ये बराबर है किसका, इसको हम कहते हैं टेंजेंट फंक्शन का रेसिप्रोकल, और वो है कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये कितने फंक्शन हो गए, ये सिक्स बेसिक्स फंक्शन हो गए अब ट्रिग्नोमेट्री का, ये आपने याद रखना। एक है साइन फंक्शन, और इसका फार्मूला है साइन थीटा अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एक है कोसाइन फंक्शन, इसका फार्मूला है कॉस ऑफ थीटा, और ये इक्वल है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तीसरा है टेंजेंट फंक्शन, और इसका फार्मूला है टेन थीटा अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, और ये इन तीनों का रेसिप्रोकल है। अब आपने इन तीनों फार्मूलों को किस तरह याद करना है, तो ठीक है, तो ये आपने इसका जो कंसेप्ट है ये आपने याद रखना है। किस तरह, इसका पहला वर्ड साइन थीटा का क्या है, एस। इसका अपोजिट साइड का पहला वर्ड क्या है, ओ, और हाइपोटेन्यूज का पहला वर्ड क्या है, एच। तो ये क्या है, ये साइन फंक्शन का फार्मूला है, इसको आपने किस तरह याद रखना है, एस ओ एस सॉच। ठीक है, मतलब साइन का फार्मूला किसके बराबर है, अपोजिट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। इस तरह कोसाइन फंक्शन का जो फार्मूला है ये आपने इस तरह याद रखना है कि इसका पहला वर्ड क्या है, सी, इसका पहला वर्ड है एडजेसेंट का ए, और इसका पहला वर्ड क्या है, एच। तो ये आपने इस तरह याद रखना है, केच। ठीक है, मतलब कॉस का फार्मूला क्या है, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इस तरह टेंजेंट का जो फार्मूला है ये आपने इस तरह याद रखना है, टी ओ ए, मतलब क्या है कि टेंजेंट फंक्शन इक्वल अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। सो आपने इस फार्मूले को इस तरह, जिस तरह भी आप याद रखना चाहते हो याद कर ले, ठीक है, लेकिन ये आपको मैंने इस तरह एक तरीका बता दिया। अगर हम साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा लिखे तो हमें मालूम है कि साइन थीटा किसके बराबर है, अपोजिट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और डिवाइड बाई कॉस थीटा है, ठीक है, सो ये बराबर हो जाएगा मल्टीप्लाई, कॉस थीटा किसके बराबर है, एडजेसेंट साइड, मतलब इसका ये वन ओवर कॉस थीटा है। ठीक है, सो कॉस थीटा बराबर है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। अब अगर हम इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई, इसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये इसका पावर माइनस हो जाएगा, अगर ऊपर वापस लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, तो ये दोनों ख़त्म। अब अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड किसके बराबर है, इधर आप देखें, ये किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा के। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा ये बराबर है टेंजेंट थीटा के। ये मैंने आपको इस तरह एक फार्मूला बताया ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, सपोज द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 7। सो जो साइन थीटा है ये बराबर हो जाएगी अपोजिट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, सो 5 डिवाइड बाई 7। कॉस थीटा जो है ये इक्वल हो जाएगा एडजेसेंट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, सो ये 4 डिवाइड बाई 7। एंड टेंजेंट, सो टेन थीटा इक्वल हो जाएगी 5 अपोजिट डिवाइड बाई एडजेसेंट, सो 5 डिवाइड बाई 4। ये मैंने इसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। अब अगर हमने सपोज इधर थीटा फाइंड करना है, सो थीटा जो है हम इन तीनों से फाइंड कर सकते हैं,
थीटा इक्वल हो जाएगा सपोज साइन थीटा 5 डिवाइड बाय 7, सो ये इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 5 डिवाइड बाय 7। इस फार्मूले से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, थीटा फाइंड कर सकते हैं। आप इन तीनों में से थीटा फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्या करना होगा, टेंजेंट को उधर शिफ्ट करना होगा। जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये पहले डिवाइड हो जाएगा, फिर ऊपर शिफ्ट होकर माइनस हो जाएगा, ठीक है, पावर माइनस हो जाएगा। सो इधर इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, और थीटा फाइंड करने के लिए हमने ये करना होगा। तो ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन, इसके जो मेन फंक्शंस है और इसके फार्मूले, ठीक है। अब आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो डिफिनेशन है वो इस तरह है कि वो इक्वेशन जो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ट्रू हो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। वो इक्वेशन जो क्या हो, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ट्रू हो, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लेट्स सपोज टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इक्वल है साइन थीटा के, ठीक है, और किसके, डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा के। इक्वेशन आपने समझना है मैथ्स में कि इक्वेशन में क्या होता है कि दोनों तरफ पे क्वांटिटीज होती है और वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, इक्वेशन हम इसे कहते हैं। सो वो इक्वेशन जो क्या हो, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ट्रू हो, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लेट्स सपोज ये हो गया, इसी तरह साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, ये भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एक एग्जांपल है। इसी तरह 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वेयर थीटा, ये भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की एक एग्जांपल है। इधर आपने ये याद रखना है कि ये स्क्वेयर क्या है, साइन स्क्वेयर थीटा, ये थीटा का स्क्वेयर थीटा पे नहीं है, ये क्या है, साइन स्क्वेयर थीटा पे, ठीक है। इस तरह कॉस स्क्वेयर एंड थीटा, समझ गई। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वेयर थीटा, ठीक है। सो ये क्या है, इस तरह और भी हो सकते हैं, अगर हम इसको इधर लेके आए, देखें अगर हम क्या लिखे, साइन स्क्वेयर थीटा और कॉस को उधर शिफ्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, तो ये भी क्या हो गया, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के एग्जांपल हो गया। सो वो इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री में जो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ट्रू हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब एक और चीज़ आपने इधर ट्रिग्नोमेट्री में ये सीखना है कि पैथागोरस थ्योरम को, इसमें बहुत यूज हुई पैथागोरस थ्योरम का होता है, ठीक है। सो पैथागोरस थ्योरम हम किसे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। लेट सपोज इस साइड को हम नाम देते हैं क्या, इस साइड को नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, और इसको नाम देते हैं क्या, सी। सो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, स्क्वेयर ऑफ ए, दिस साइड का स्क्वेयर, प्लस स्क्वेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ सी। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम के लेंथ, अपोजिट साइड का लेंथ का स्क्वेयर और एडजेसेंट साइड का स्क्वेयर दोनों का प्लस इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वेयर के, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं, पैथागोरस थ्योरम।